नूर, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं भाई? फ्यूचर प्लान्स अभी तो जो काम कर रही हूँ इसी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी मैंने इतना काम किया ही नहीं है, तो मैं और करना चाहती हूँ और इसी में अभी फोकस। अच्छा, खुद अपनी मर्जी से कम कम कर रही हो या ऑफर कम होता है या चूज करती हो कि मैं ये करूँगी? चूज ही तो हो, आई नो, हर काम नहीं करती, मुझे मालूम जी है। कम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ मुझे बहुत अमेजिंग नहीं ऑफर हुआ अभी तक। अच्छा, तो कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लगा कि ये वाकई मुझे? मैंने तो बहुत प्लेस में देखा है तुम्हें। मैंने बहुत कम किए हैं। अच्छा जी, तो मैंने ज्यादा देखा है, तो मैं फॉलो करता हूं, मैं एक्चुअली वो अच्छी लगती है इसलिए। Because you're a pretty, very pretty face and you're also very talented. Thank you. तो फिर कोई ऐसा काम नहीं जो अभी हम look forward करें कि यार ये मेरा एक project है जो आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक channel के लिए मैं कर रही हूँ और उसके अभी recording हो रही है। अच्छा, क्या नाम है project? Director कौन है? Director मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। ओह अच्छा, कोई special project है? फिर कहाँ डिस्क्लोज करना है उसको अगर यहाँ नहीं करना तो? किस दिन के लिए छुपा के रख रही हो तुम? जब वो आ जाए, उसके टीजर्स आ जाए, तब सबको पता लगे। स्पेशल प्रोजेक्ट है। अच्छा, चलो कास्ट क्या है ये बता दो, उसकी कास्ट का। ये भी नहीं बता रहा। कास्ट क्यों बताऊं? दिस इज नॉट फेयर यार। अच्छा, क्या उसमें रोल क्या है? एक लड़की का रोल है जो बहुत। नहीं तो मैंने कब कहा लड़के का होगा, लड़की का ही रोल तुम्हें मिला होगा। एक लड़की का रोल है जिसमें क्या मतलब क्या करूं? वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ऐसे जो मैंने आज तक किया नहीं। अंधी लड़की का रोल है, कोई अपाहिज लड़की का रोल नहीं, नॉर्मल लड़की। अच्छा नॉर्मल, तो आप नॉर्मल नहीं किए कभी आज तक रोल? मतलब ना वो अंधी है ना कुछ है, सही सलामत एक लड़की, ठीक है, उसका रोल है और बहुत डिफरेंट ऐसे है जो मैंने पहले नहीं किए उस सेंस में। और बस आप लोग मुझे बेहतर समझ दिया है। शाबिर को समझाएं क्या रोल है? कुछ कंफ्यूज पता चला है कि रोल क्या है, थोड़ा सा तो बता दो उसके बारे में। नॉर्मल लड़की है। हां नॉर्मल, तो नॉर्मल घराना है। हां अच्छा, नॉर्मल सर है। नूर कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसे थोड़ा सा, अच्छा बता दीजिए, थोड़ा सा नेगेटिव में। ओह यस, सी दैट्स इंटरेस्टिंग। नूर को हम ये पॉजिटिव इतनी लगती है कि नेगेटिव मतलब आई कैन नॉट। ये वो जरा ऐसे किस तरह नेगेटिव रोल, किस तरह, यानी कि आप बहुत बुरे इंसान हैं outright मतलब negative है या hidden negative है? नहीं नहीं, proper वाला negative है और मैं यही बात नहीं disclose करना चाह रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। No, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने disclose कर दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छी बात है। अब acting करने का ज़्यादा शौक है या modeling ज़्यादा पसंद है? Acting बहुत ज़्यादा। proper अदाकारी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तो बहुत लोगों को ये कहते सुना कि because people who are little lazy and they want to work less, जैसे कि नहीं नहीं कमर्शियल्स बहुत अच्छे हैं या मॉडलिंग अच्छी हुई है, थोड़ी देर के लिए आप जाते हैं पैसे कमा के आते हैं, लेकिन यू हैव पैशन फॉर एक्टिंग, राइट? हाँ बिल्कुल, उसमें आपको सीखने को मिलता है ज़्यादा। कमर्शियल्स होते हैं, एक दिन का शूट होता है, फन तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ड्रामे में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। ज़बरदस्त है यार, यानी एक्टिंग का पैशन। एंड आई हैव सीन यू, आई हैव वर्क विद यू, और मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि नूर बहुत मेहनत से काम करती है डायलॉग्स में, अपने कैरेक्टर में। शी टेक्स इंटरेस्ट, और स्पेशली जब डायरेक्टर कुछ बता रहा होता है इसको या कोसा तो सुनती है So I want to praise you because I want people to know के जो young और नए लोग हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वरना generally जो पुराने actors आते हैं ना वो अक्सर कहते हैं आजकल के बच्चे बच्चियाँ जो वो सही नहीं है, लेकिन they very good यार। अच्छा, क्या फिर अब मतलब चलो videos बन रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, television के लिए कुछ हो रहा है? Television के लिए अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। किस चीज़ की shooting कर रहे हो आजकल? You were shooting something ना over here? Oh yeah, just a comedy video. It's a video that you're making. Yeah. My entire work revolves around YouTube. मैं YouTube पे ही जिंदा हूँ। कौन है जो सबसे फेवरेट है, जितने भी YouTubers हैं या vloggers हैं, फेवरेट कौन है सबसे ज़्यादा? खुद मैं। खुद अपना। मैं अपना खुद फेवरेट हूँ। नहीं, लेकिन मेरे अलावा जो लोग मुझे बहुत पसंद है, no। Just kidding man। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मेरे अलावा जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनमें जैद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। इरफान जुने जो है जो कि बहुत क्वालिटी का काम करता है। सो बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू किड्स दैट आर कमिंग अप ऑन द ब्लॉग। ज़ैद बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, फिर वो नसरीन जो है, राहिम माय फेवरेट, आल्सो तीली, एक वीडियोस तीली की तरफ से बनती हैं वीडियोस, वो बड़ी मजे की बनती है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क। अच्छा, चैरिटी का भी काम किया है? हाँ। वो क्या है? यूजुअली होता क्या है कि हम लोग क्योंकि वीडियोस बनाते हैं तो हमें स्पॉन्सर्स मिलते रहते हैं। कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको पैसे देते हैं। सो व्हाट आई डू समटाइम्स इज़ कि मैं स्पॉन्सर्स से पैसे लेके जाके किसी, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो मैंने किया था, मैं रोड पे गया और मैंने देखा रिक्शे वाले क्या कर रहे हैं।
तो बाय चांस यार लाहौर के अंदर मैं आया हुआ था, तो मैं ऐसे जा रहा था तो ऊबर वगैरह मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो यार रिक्शे पे चलते हैं। तो मैं रिक्शे में बैठा और इस कदर धूप थी और मैंने कहा यार ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। तो जब मैंने बंदे से स्टोरी पूछना शुरू की, उसकी स्टोरी इतनी दिल पे आके लगी आपके भाई को कि उस वक्त फील हुआ कि यार इसकी मदद करनी चाहिए। तो खैर उसका नंबर वंबर मैंने ले लिया, फिर अगले दिन मैंने उसको जाके एक अच्छी खासी रकम दी और उस पर पूरा व्लॉग भी किया। और मैंने उससे पूछा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर लगाऊं। अच्छा उससे क्या होता है ये वीडियो में ये बताने से लोगों को कि आप किसी की हेल्प करें और मैंने हेल्प की, इससे कभी कभी नेगेटिव बैशिंग भी आ जाती है कि लोग कहते हैं ये तुम पैसे दे के दिखा रहे हो, क्यों रहे हो। ऐसा भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ डू यू टैकल दैट? कुछ लोग होते हैं जो कि इस तरह कहते हैं, लेकिन देखें एक सिंपल सी बात है, एज एन इन्फ्लुएंसर मेरा काम है लोगों को एक ऑनेस्टी दिखाना। जो मेरे दिल में चीज थी वो मैंने प्रेजेंट की, पोर्ट्रे की, सही है। अब लोगों का ऑब्वियसली कुछ लोग नेगेटिवली चीज़ों को लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं, मेरा तो काम है दिखाना, सही है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकूं, किसी ऐसे बंदे को जो कि चाह रहा हो किसी की मदद करना लेकिन उसको यानी कि एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए, तो हो सकता है ऐसी वीडियो देख के उसको हो के यार आई शुड, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। और यहाँ अगर आप इस सोशल मीडिया के थ्रू मतलब रेवोल्यूशन भी आ जाता है भाई, सोशल मीडिया के थ्रू रेवोल्यूशन आता है, लेकिन अगर आप ये अच्छे काम, चैरिटेबल काम, नए काम लोगों के लिए फायदा, आप वीडियो सिर्फ लगा दें कि भाई इसको ये जरूरत है और इफ समबडी वांट्स टू पुल इन या कोई हेल्प करना चाहता है तो उसके थ्रू बहुत लोग आ जाते हैं। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग ऑन ईद। नूर क्या कहती हो, सही करता है ये जो कर रहा है? हाँ बहुत ज्यादा मुझे बहुत पसंद है शावी की। अच्छा फॉलो करती है उसको? हाँ। क्या फॉलो किया, क्या देखा, इसके बेस्ट वीडियो कौन सा देखा है? कुछ तो देखा होगा या सिर्फ इसका चेहरा देख के फॉलो पता लग गया, सिर्फ शक्ल देख के नूर ने लाइक का बटन दबाया? नहीं नहीं बहुत फनी होती हैं तो इसलिए मैं देखती हूँ। हाँ बहुत अच्छी होती हैं। ओके अच्छा तो ईद पे क्या कर रही? क्या हुआ, मैं कंफ्यूज हूँ। अच्छा अच्छा ओके चलो बताओ। ईद पे मेरा प्लान ये है कि छोटी ईद के ऊपर ना कुछ बच्चे मुझे रोड पे मिले, मैं जूस पी रहा था और एक इतना सा बच्चा है, लिटरली इतना सा बच्चा, 8 या 7 या 8 साल का, और उसने जूतियाँ भी नहीं पहनी हुई थी। वो आया और हम लोग जूस वूस पी रहे थे ऐसे दोस्त वगैरह खड़े हुए, तो वो आया और बुक्स बेच रहा है, लेकिन एक किस्म की वो भी भीख ही है क्योंकि ही इज़ ऑन द रोड, बेच तो वो बुक्स ही रहा है। तो मुझे उसको देख के लिटरली एक रोंगटे खड़े हो गए कि यार एट दिस एज इस बच्चे को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। खैर मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन ली, उसकी स्टोरी जानी, अपेरेंटली उसके अम्मी उसके अब्बू जो है उनकी डेथ हो गई, घर में कोई है नहीं काम करने के लिए, दो बड़ी बहनें हैं वो भी स्कूल जाती हैं, कहता कि आई हैव टू गिव अप माई स्कूलिंग, आई हैव टू डू दिस क्योंकि मुझे जाके पैसे कमाने हैं घर में, वरना हमारा मुझे 3,000 रुपये चाहिए अभी रेंट देने के लिए। तो उस तरह के ना 5-6 बच्चे हम लोग बातें कर रहे थे वो कलेक्ट हो गए सारे। तो उन सारे बच्चों को मैं ईद के ऊपर ना खाना खिलाने बाहर ले गया और उनके साथ टाइम स्पेंड किया, कोशिश की कि यार इनको पैसे इस तरह ना दूं, इनको इनका माइंड चेंज करने को, ताकि आदत भी ना डले कि कोई पैसे दे जाता है और मतलब। तो बड़ी ईद के ऊपर मेरा प्लान ये है कि मैं एक जगह बहुत बड़ी सी रेंट आउट करूंगा और उसके अंदर लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे से मिलना है तो आप अपने साथ एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे को लेकर, इंसान। बिल्कुल जनाब शावीर का ये बताता चलूँ कि इसने मुझसे भी ये बात डिस्कस की और आई एम डेफिनेटली गोना बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन विद हिम। और हमारे साथ और भी लोग होंगे, और भी लोग जमा होंगे सारे जो कि लेस प्रिविलेज जो लोग हैं उनको खाना खिलाने में या उनका उनकी किसी तरह की मदद करने में हम लोग साथ काम करेंगे। और पाकिस्तान में हम सबको ये करने की बहुत ज़रूरी स्पेशली ज़रूरत है जब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर आपको लोग पसंद करते हैं फॉलो करते हैं तो यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। आई वांट दीज किड्स टू यू नो, इनको अगर एजुकेशन ही मिल जाए ना, लाइक इनको अगर आप दिखा दें कि यार स्कूल है और कोई बंदा जाके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि यार इनको स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और बहुत लोग हैं जो कि इस पोजीशन में हैं जो ये कर सकें, तो लिटरली आप उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सिंड्रेला कुछ खामोश है, क्या क्या नोटिस कर रही है सिंड्रेला? नहीं मैं बातें सुन रही हूँ। अच्छा नूर मुझे ये बताओ फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये वाली एक्ट्रेस है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ऐसे बनना है, कौन है? सारा खान। मुझे इतनी प्रिडिक्टेबल बात थी ये, इट वाज सो प्रिडिक्टेबल
कि मैं जो बहन आती वो बहन का नाम लेती है, जो भाई आता है वो भाई का नाम। नहीं यार, सारा के अलावा चलो। नहीं ऐसा नहीं है कि किसी की तरह बनना है, अगर ये वाली बात है तो फिर सारा ही है। ठीक है, लेकिन कोई किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती हो कि यार ये लड़की बहुत अच्छी एक्टिंग करती है? नहीं तो ये सवाल मैं उससे कर रहा हूँ, बताइए रहा है क्या क्या बोल रही है? ये अपनी पसंद बता रही है। कौन है इसकी पसंद? कौन है? मायरा खान। ओके मायरा खान। ओके ये शी इज गॉर्जियस, शी इज अमेजिंग, शी इज ओके द बेस्ट मायरा। और सबा कमर की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हमारी टॉप एक्ट्रेसेस हैं, सुपरस्टार्स हैं, दे आर अमेजिंग। एंड फेवरेट एक्टर? एहसन खान। दिस वाज नॉट प्रेडिक्टेबल, दिस वाज नॉट प्रेडिक्टेबल। जनाब जबरदस्त बातचीत जारी है।